भाई क्या ये उड़ेगा क्या ऊपर? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए दूसरा व्लॉग लेकर आ गया हूँ। जो दूसरा व्लॉग है वो है साइंस म्यूजियम का, जो मेरे जस्ट पीछे है साइंस म्यूजियम। ये साइंस म्यूजियम है तो अभी हम अंदर चल के देखते हैं, पूरी एक्टिविटी आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। टिकट काउंटर पर पहुँच चुके हैं और ये सारे टिकट है। 70 रुपये में टिकट मिल जाएगा नॉर्मली बेसिक जो होता है, और 20, 35, 40, 50, 80 का जो ये एक्स्ट्रा टिकट है जिसमें राइड वगैरह करने को मिलेंगी। तो टिकट मैंने ले लिया है, 80 और 70 रुपये वाले टिकट ले लिया है। 150 रुपये का टिकट है जिसमें हमें एक नई एक्टिविटी करने को मिलेगी। तो अंदर चलते हैं, अंदर चल के मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ। गाइस, तो मैं तुम्हें अभी लेके चलता हूँ जहाँ पर डायनासोर हैं नकली, लेकिन वो देखने में असली लगते हैं। तो एंट्री होती है हमारी, अभी हम चलते हैं वहाँ और मिलते हैं वहाँ पर। तो गाइस, हमने एंट्री कर ली है और अंदर देखो क्या क्या है। गाइस देखो, ये सबसे बड़ा डायनासोर है, ये सबसे बड़ा है जिसकी सिर्फ गर्दन ही गर्दन मिलती है। इसको अलग जगह पैक करके रखा हुआ है, कैद करके रखा हुआ है, ये देख सकते हो गाइस। यहाँ पर हाथी भी, अरे ये क्या है, बाज, उल्लू है क्या, बाज है भाई, ये तो समझ में भी नहीं आ रहा। इसका जो नाम है, इसका नाम है डाइटेरियम। अब डाइटेरियम क्या है आप देख सकते हो गाइस, ये हाथी है देखो, ये एक दांत वाला हाथी होता है गाइस। तो ये वाला हाथ नहीं, दो दांत है इसके भी, देखो सूंड हिला रहा है। जैसे हम कुछ बोलेंगे तो ये सूंड हिला लगेगा, यार कैसे बना हुआ है, मतलब ये 2 करोड़ 20 लाख वर्ष साल पुराना हाथी है। इसका नाम है मेगाथीरियम, ये भी बहुत पुराना है, ये 6 मीटर का होता है, 6 मीटर से भी लंबे लंबे, ये 5 लाख साल पहले वाला भाई बंदर। अरे तो भाई ये मोगली है, इसके अम्मी है, अम्मी है पापा है भाई, पापा लग रहे हैं। अच्छा ये पापा है, वो अम्मी है भाई, वो अम्मी नहीं, तो बड़ी खतरनाक, ओ लंगूर है भाई, ये तो बड़ी खतरनाक गर्दन मिला रहा है गाइस। तो जिस लिए मैं साइंस म्यूजियम आया था वो चीज़ मैंने देख ली है, क्योंकि मेरे को यही चीज़ पसंद थी। तो गाइस एक चीज़ और थी जो मैं आपको बता देता हूँ, उसके अंदर सारी हिस्ट्री लिखी हुई थी। वो हिस्ट्री इतना टाइम है नहीं कि पढ़ के बताएं, 70 रुपये में इतना पढ़ के बताएंगे, लेकिन सब कुछ बता दिया, आप आके खुद देख सकते हो। अब 70 रुपये में क्या क्या बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी हम चलते हैं दूसरी जगह, स्टार्ट करते हैं। गाइस मैं ऐसी साइकिल में बैठ चुका हूँ जो कभी कहीं जा ही नहीं पाएगी, कितने पेंडिंग मार गए। तो ये वाली साइकिल तो देखो हम भूल भुलैया में एंट्री कर दी है, अंदर चलते हैं। अरे यार ये तो यही घूम रहे हैं वापसी भाई, भूल भुलैया मजा आ रहा कसम से, बहुत मजा आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कौन असली है कौन नकली है। अबे मुझे ऐसा लगा तो सीधा क्या चल रहा भाई। देखो लेकिन इसकी एक चीज है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है। देखो गाइस घूम फिर के आदमी वापस आ गया। इसकी मैं एक खास बात बता देता हूँ क्या, अगर कोई इसमें आने के बाद भूल जाता है या डर जाता है तो ये है, अगर वो निकलना चाहता है ना तो नीचे देख के निकल सकता है, जमीन पे देखेगा अपना आराम से निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। और शीशा देखेगा तो वो फंस जाएगा। फैंटेसी राइड करने के लिए हम जा रहे हैं अभी, तो अभी देखते हैं कैसी है वो हमारी फैंटेसी राइड। इसकी राइड करने वाला हूँ नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली। तो अब मैं इसमें बैठूंगा और आपको मैं दिखाता हूँ इसमें बैठने के बाद
तो भाई राइड के लिए तैयार हो गया, इन्होंने हमें चश्मे पहनाया है, ये भाई हैं, और उन्होंने मुझे टिकट चेक करा था, इन्होंने चश्मा पहना दिया है। अब चलते हैं अंदर, और देखो दूसरे वाले भाई हमारे अंदर जा चुके हैं, अब चलते हैं अंदर, अंदर मिलता हूँ। तो भाई मैं अंदर बैठ चुका हूँ, तो भाई क्या ये उड़ेगा क्या ऊपर भाई? भाई अभी हम अंदर आ चुके हैं मेरे भाई, तो आप देखना कितना मजा आएगा। तो भाई ये रेडी हो चुका है, अब उड़ने वाले हैं, मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। अरे भाई वो भाई ऐसा लग रहा है उड़ने वाला है, देख सकते हो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने राइड तो कर ली है, बट ये है कि ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, लेकिन हाँ ये कि 2 मिनट के बाद बहुत अच्छा लगा था, ऐसा लग रहा था हम असलियत में 3D मूवी, लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ खास नहीं था। ज़्यादा महंगा टिकट नहीं इसका, अलग से 80 रुपये का है। तो अभी हम अंदर चल रहे हैं, ये दूसरी जगह है उसी साइंस म्यूजियम के अंदर, तो ये गुफा के हम अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं क्या होता है। मैं आपको दिखाता हूँ पुराने ज़माने का रेलवे स्टेशन कैसा हुआ करते थे, स्टेशन मास्टर और रेलवे इंजन वगैरह कैसे हुआ करते थे, कैसे लोग जाया करते थे। तो मैं आपको सारी चीज़ अब दिखा देता हूँ। चुका हूँ, मैंने आपको साइंस म्यूजियम घुमा दिया है, आप भी घूमिए, एंजॉय कीजिए, मुझे तो बहुत मजा आया, आपको भी मजा आएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें, जब भी हौसला बढ़ता है तो सपोर्ट कर दो। क्या दी मेरे को इंस्टाग्राम पे जिसने फॉलो नहीं किया फॉलो करो जाके, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां बातें करो मुझसे, मैं हर किसी से बात करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।